दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। यह जो मार्केट देख रहे हैं ये है आपका रोहनिया मार्केट, और यह जो रास्ता देख रहे हैं ये सीधे आपका चला जाएगा गंगापुर के लिए। यह सुबह का नज़ारा है, ये देख रहे हैं दोस्तों, ये है आपका रोहनिया मार्केट सुबह का नज़ारा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रोहनिया मार्केट से लहरतारा तक के नज़ारे। धीरे धीरे दुकान भी खुलना शुरू हो गया जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और सुबह का समय है, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट सामने आ रहा है कैमरे के लेंस पर। हो सकता है थोड़ा सा मेरा वीडियो थोड़ा सा काला है। और आगे ही बढ़ने पर देखिए दाहिने साइड में आपका है रोहनिया थाना, इस साइड देख रहे हैं, इस साइड आपका है रोहनिया थाना। तो दोस्तों वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। जो रोहनिया मार्केट है ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी लंबा चौड़ा मार्केट है ये। और देखिए आगे बढ़ने पर यहाँ से एक रास्ता कटा हुआ है, ये देखिए ये जो दाहिने साइड में एक रास्ता कटा हुआ है ना, ये सीधे आपका चला जाएगा BLW कैंपस के लिए। BLW कैंपस होते हुए आप सुंदरपुर भी निकल सकते हैं, बनारस रेलवे स्टेशन के लिए भी जा सकते हैं, और चितईपुर के लिए भी आप चले जाते हैं। और आगे बढ़ने पर देखिए रोहनिया में ही आपका बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, ये देख रहे हैं कोई जैसा ना रहा, कोई फ्लैट बना हुआ है वो भी लग्जरी VIP एकदम। कैंट यहां से बात किया जाए अपने वाराणसी जंक्शन के बारे में, रोहनिया से वाराणसी जंक्शन लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और लगभग यह जो राइड होगा वो समझिए कि 5.5 किलो से 6 किलोमीटर की दूरी का यह राइड होगा। आगे ही बढ़ने पर एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर है शिव जी का रोहनिया में ही, ये इस साइड देख रहे हैं शिव मंदिर, यहाँ पर बैठने के लिए व्यवस्था बना हुआ है इस मंदिर पे, बहुत ही प्यारा मंदिर है। इस मंदिर पर देखेंगे ना काफी दूर दराज से क्या, और यहाँ पर देखिए एक बस आया हुआ है, साउथ के लोग काफी ज्यादा यहाँ पर आते हैं। और ये देखिए ये लोग साउथ के तो नहीं लग रहे हैं, कहीं से आए हुए हैं बाहर से, देख रहे हैं यहाँ पर तंबू डेरा इनका लगा हुआ है यहाँ पर, और उस साइड आपका है एक कुंड, ये देख रहे हैं दोस्तों कहाँ से रास्ता गया, तो आपको थोड़ा सा कुंड भी दिखा देते हैं, तो उसके बाद बढ़ेंगे आगे। इसका मैंने वीडियो बनाया है, लगभग वीडियो को बनाए हुए मुझे 1.5 साल हो रहा है, इसका नाम है भास्कर मंदिर। देख रहे हैं ये है आपका भास्कर तालाब, इसे बोला जाता है। तो ये है नज़ारा आपका भास्कर तालाब का। तो अब चलिए अब बढ़ते हैं आगे, देख रहे हैं मंदिर के प्रांगण का साफ सफाई हो रहा है, सबसे अच्छी बात तो ये है, और यहाँ पर स्नान हो रहा है सुबह सुबह। और देख रहे हैं मंदिर की सबसे खास बात ये, देखिए चारों तरफ पेड़, पेड़ से डेकोरेट किया गया है प्रांगण को पूरा। और देखिए सबसे खास बात ये है कि मंदिर से ही सटा हुआ है एक स्कूल और शौचालय भी बना हुआ है।
होने पर बाएं साइड में आपका है रिलायंस पेट्रोल पंप। यह जो एरिया है ये है आपका केसरीपुर। देख रहे बोर्ड भी लगा हुआ आपने वाराणसी में, आप देखेगा तो आपको कहीं पूछने की जरूरत नहीं है। देखिए केसरीपुर से हम लोग आ गए भुल्लमपुर और कैंट यहाँ से है 6 किलोमीटर और ये है आपका 34वीं वाहिनी पीएससी भुल्लमपुर, पीएससी गेट इसे बोला जाता है। साइड भी आपका है पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल। आगे बढ़ने पर आपका है मेघना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेघना हॉस्पिटल। फिर देखिए पेट्रोल पंप आ गया इंडियन ऑयल। इस साइड देखिए भारत पेट्रोलियम है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आपका मोढ़ैला। यह जो रास्ता है ये सीधे आपका चला जाता है मड़ुआडी चौराहा के लिए। मड़ुआडी चौराहा होते हुए आप सीधे मामूरगंज के लिए भी जा सकते हैं, सिगरा के लिए रथ यात्रा, और ये सीधे रास्ता वैसे बात किया जाए तो ये चला जाता है आपका दशाश्वमेध घाट बुदौलिया होते हुए। साइड आपका है राष्ट्रीय बीज अनुसंधान केंद्र। साइड दाहिने साइड में आपका है कालिका ढाबा, आशुतोष हॉस्पिटल, जनसेवा हॉस्पिटल। यह जो एरिया है ये आपका है चांदपुर इंडस्ट्रियल एरिया। देख रहे हैं इस साइड आपका मूर्ति बन रहा है। सामने आपका है चांदपुर चौराहा, जो कि बाएं साइड वाला रोड आपका सीधे भदोही जिले के लिए चला जाएगा, वही दाहिने साइड वाला रोड आपका चला जाएगा मड़ुआडी चौराहा के लिए, यानी जो मुढ़ैला वाला है वो भी आपका जाके वही चौराहा में ही मिल जाता है, और यह जो रास्ता है ये भी आपका जाके आपका चौराहा में मिल जाता है, और ये सीधे रास्ता आपका वाराणसी जंक्शन के लिए चला जाएगा। वाराणसी जंक्शन से होते हुए आप राजघाट होते हुए आप चंदौली जिले के लिए भी निकल जाएंगे अगर यह सीधा रास्ता से अगर आप जाते हैं तो। ये जो रास्ता देख रहे हैं ये चला जाएगा आपका चांदपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, और इसी एरिया में कई सारा आपका ट्रांसपोर्ट भी है।
यह जो एरिया है ये है आपका है महेशपुर, महेशपुर के बाद आपका आ जाता है भोलिया, भोलिया के बाद आ जाएगा आपका लहरतारा। जो ट्रांसपोर्ट एरिया ज़्यादातर वो आपका महेशपुर में स्थित है, और इस साइड आपका किरान सेवाएं भी मिल जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हो कि एक कतार में आपका किरान पूरा खड़ा हुआ है। आगे बढ़ने पर आपका गोयनका, देखिए गोयनका फोर्स एक शोरूम है, ये देख रहे हैं। यह जो क्षेत्र है ये है आपका बौलिया, इस साइड आपका है यूनियन बैंक बौलिया का, और ये है मार्केट सुबह का। और देखिए बाएं साइड से एक रास्ता कटा हुआ है, सीधे आपका ये चला जाता है फुलवरिया के लिए भी चला जाएगा, और आपका कैंटोनमेंट एरिया के लिए भी चला जाएगा। इस साइड आपका है दुर्गा मंदिर, सामने है आपका लहरतारा चौराहा, जो कि बाएं साइड वाला रोड आपका मड़वाड़ी के लिए चला जाएगा, और दाहिने साइड वाला रोड आपका मड़वाड़ी के लिए चला जाएगा, और बाएं साइड वाला रोड आपका चला जाता है फुलवरिया के लिए। देखिए यहाँ पर एक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है, शिवपुर फुलवरिया फ्लाई ओवर फोर लेन। आगे बंडे पर एक बोर्ड लगा हुआ है, संत कबीर प्राकट्य स्थल, जाने का रास्ता ये देखिए दाहिने साइड से एक रास्ता कटा हुआ है, ये चला जाता है। यह जो एरिया है ये है आपका लहरतारा, यहाँ देखिए अमूल का दूध आया है, बहुत से जो दुकानदार फुटकर हुआ है यहाँ पे लेने के लिए। हमने आपका लहरतारा पुल पुराना वाला, तो दोस्तों मैं आज पुल पर से नहीं चलूंगा, नीचे चलता हूँ, देखते हैं अगर रेलवे फाटक खुला रहा तो सही है, नहीं तो क्योंकि मैं आज आपको सब्जी मार्केट का भी नज़ारा आपको दिखाते हैं। हालांकि यह जो सब्जी मार्केट है वो शाम को ही लगता है, सुबह में एक दो दुकानें ही खुले रहते हैं, क्योंकि लहरतारा का सब्जी मार्केट है काफ़ी फेमस है हमारे एरिया का। देख रहे हैं एक आग दो ही दुकान लगा हुआ है, जैसा कि मैं बता रहा था। और ये जो रास्ता ये भी आपका जाकर मिल जाता है उसी जो आपका है शिवपुर फ्लोरिया फोर लेन में, उसमें, और सामने आपका है रेलवे फाटक इस साइड, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये है आपका लहरतारा पुल। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।
और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर पर नए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप मिर्जापुर के वाटरफॉल का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट कीजिएगा, क्योंकि मैं आने वाले समय में 15 से 20 दिन बाद में जाने वाला हूं। जितने भी अपने मिर्जापुर में आपका वाटरफॉल स्थित है, वैसे देखा जाए तो कम से कम एक दर्जन से अधिक आपको वाटरफॉल मिर्जापुर में मिल जाएंगे, एक से एक बढ़ के। तो ठीक है दोस्तों, कंट्रीब्यूट किए रहेंगे, ऐसे क्या होगा कि मेरा मनोबल भी बढ़ेगा, मेरे पास कुछ पैसे भी रहेंगे घूमने फिरने के लिए और आपको भी आपको नज़ारा दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।